हेलो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्फोसिस इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए दोस्तों आज 9 सितंबर 2021 है। आज मेरा जो एक दोस्त है जो कि मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट था उसका आज इंटरव्यू कम्प्लीट हुआ था 9 सितंबर 2021 को और उसका कंडक्टेड मोड था वेबएक्स। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उनको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि हाउ आर यू, देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, उसके बाद दोस्तों गिव्स हिम इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों उस इंटरव्यूअर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पूछा कि आप कहाँ से हो, आप कैसे हो, देन उस इंटरव्यूअर ने अपना खुद का इंट्रोडक्शन उनको दे दिया। उससे उनको आइडिया आ जाता है और हमें भी आइडिया आ जाता है कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना चाहिए। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों उसके बाद उसको प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर प्रोजेक्ट टीम, मींस आपके प्रोजेक्ट टीम में कितने मेंबर्स थे, आपने कितने दोस्तों को मिलाकर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद दोस्तों उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज योर रोल इन प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों आपको 101% आपका रोल पूछा जाएगा प्रोजेक्ट में। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाई आर यू कंफर्टेबल इन C++। देखिए दोस्तों उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था वहाँ पे C++ लैंग्वेज का यूज़ किया था इसीलिए उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाई आर यू कंफर्टेबल इन C++। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डू यू नो अबाउट ऊप्स, मीन्स दोस्तों उन्होंने पूछा कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंटैक्स मालूम है या फिर नहीं मालूम है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि यस मालूम है। देन दोस्तों उनको क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस उसके बारे में पूछा गया। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनी क्वेश्चन फॉर मी, देन उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चन एनी सजेशन फॉर मी। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर यू कंफर्टेबल टू वर्क ऑन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट C++, मीन्स अगर आपको C++ के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज दे दी तो आप उसके लिए कंफर्टेबल हो क्या, आप उसके लिए वर्क कर सकते हो क्या। दोस्तों यहाँ पे ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर आप इस बंदे ने मेरे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ आंसर दिया तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप C++ से एक्सेप्ट दूसरी लैंग्वेज में काम कर सकती है। तो मेरे इस दोस्त ने कहा कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो दोनों के दोनों लैंग्वेजेस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, तो मैं खुद अपना स्टडी करके जावा में भी काम कर सकता हूँ। अगर दोस्तों आप भी ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव वे में आंसर देते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू।